हम तो पूछेंगे मैं अगले आधे घंटे डिबेट नंबर दो, झंडे पर फंसी बीजेपी। एक विधान को छोड़कर उन्होंने भी दो निशान और दो विधान जो सेपरेटिस्ट का एक नारा आज तक रहा है, उस नारे को सब्सक्राइब करके भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के लोगों की भावनाओं का अपमान किया है। देश के झंडे की इज्जत करते हैं और उसकी अहमियत को समझते हैं, वैसे ही हम ये मानते हैं कि राज्य का झंडा जो है उसकी भी उतनी ही अहमियत और उतनी ही उसकी इज्जत होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में झंडे पर सियासत हो रही है। बीजेपी कहती आ रही थी राज्य में एक निशान यानी एक झंडा यानी देश का तिरंगा लहराना चाहिए, विधान भी एक ही होना चाहिए, लेकिन अब जब वो पीडीपी के साथ राज्य की सत्ता में है तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का एक फैसला उसके लिए बड़ा धर्म संकट लेकर आ गया है। असल में कोर्ट ने राज्य के झंडे को लेकर दायर एक याचिका में ये फैसला दिया है कि राज्य सरकार और सभी संवैधानिक संस्थाएं पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 144, जम्मू कश्मीर राज्य के सम्मान की सुरक्षा एक्ट 1979 का पालन जरूरी है। इसमें राज्य के झंडे का सरकारी इमारतों पर फहराया जाना और सरकारी गाड़ियों पर लगाया जाना भी शामिल है। असल में इसी साल मार्च महीने में पीडीपी बीजेपी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर सभी सरकारी और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को राज्य के ध्वज के सम्मान का आदेश दिया था। गौरतलब है कि बीजेपी के कई विधायक अपनी गाड़ियों पर राज्य का ध्वज नहीं लगाते हैं, लेकिन बीजेपी के ही विरोध के बाद राज्य सरकार ने ध्वज लगाने का अपना ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में गया। अब इस आदेश के बाद सभी को तिरंगे के साथ साथ जम्मू कश्मीर का अलग झंडा लगाना भी जरूरी हो जाएगा। जाहिर है बीजेपी के लिए इस आदेश ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि वो राज्य में अलग संविधान, अलग कानून और अलग झंडे का विरोध करती रही है। वो अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का भी विरोध करती रही है। इसे हटाना उसके चुनावी घोषणा पत्र में हमेशा शामिल रहता है। अब विरोधी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो राज्य का झंडा फहराए जाने के हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। गवर्नमेंट इन दी स्टेट विल टेक अ कॉल एंड दिल अडॉप्ट एन एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। जो राष्ट्रीय ध्वज है वो राष्ट्रीय ध्वज है, उसके बराबर कोई भी झंडा जो है, चाहे वो स्टेट का फ्लैग है, नहीं आ सकता। विपक्ष कह रहा है कि ये मुद्दा संवेदनशील है और केंद्र और राज्य सरकार को इस पर अपना रुख साफ करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अलग झंडे पर बीजेपी के रूखे रुख के बीच हम तो पूछेंगे, क्या जम्मू कश्मीर में सत्ता में रहने के लिए बीजेपी उसूलों से भटक गई है। हम एक बार फिर हमारा सवाल 8:30 का डिबेट नंबर 2 का ध्यान से सुनिए कि जम्मू कश्मीर में सत्ता में रहने के लिए बीजेपी क्या उसूलों से भटक गई है। अगर आपको लगता है हाँ तो IBN 7 space देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए IBN 7 space देकर एन लिखिए और अपनी राय 5818 पर SMS करें #STP और #Kashmir Flag Controversy के जरिए भी आप अपनी राय ट्वीट कर सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का बचाव करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल जी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता अमी बेन याग्निक, PDP के नेता रफी अहमद मीर साहब मेरे साथ श्रीनगर से हैं, पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भीम सिंह साहब हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं और साथ में फोन लाइन पर मेरे साथ RSS के विचारक के तौर पर जुड़ रहे हैं संदीप महापात्रा साहब बेंगलोर से। 45 सेकंड का वक्त और फिर डिबेट की शुरुआत। सबसे पहले सुधांशु मित्तल जी, मैं सीधा आपके पास आऊंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने के लिए जम्मू कश्मीर में एक निशान एक विधान के अपने उसूल से, अपनी बात से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नारे से भटक गई है, अलग हो गई है? मुझे तीन नारे थे हमारे, एक निशान नहीं, दो निशान, दो प्रधान, दो संविधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हम कैसे भगत गए? आपने अभी खुद ही बताया कि एक सर्कुलर इशू हुआ जिसमें यह कहा गया कि दो निशान चलेंगे। भाजपा ने फौरन उसके आपत्ति जताई और वो सर्कुलर जो है उसको रोक दिया गया। अब
कानून के द्वारा हाई कोर्ट का एक आदेश आता है जिसमें कहते नहीं आपको जो आपने सर्कुलर विड्रॉ करा था वो गलत था और उसके खिलाफ अब सरकार जो है देखेगी। अभी ये सिंगल बेंच का जजमेंट है तो कोई फाइनालिटी तो हो नहीं गई, इसलिए हम कैसे भटक गए मुझे ये तो समझाइए। न्यायालय अगर कोई फैसला दे उससे भाजपा भटक जाए। ठीक, 45 सेकंड हुए। भीम सिंह साहब अपनी बारी में अपने 45 सेकंड में आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जिसके खिलाफ आज आपने प्रदर्शन भी किया कैसे अपने बातों से भटक गई है। भारतीय जनता पार्टी भटक नहीं गई है, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा पूरे राष्ट्र पूरे देश के लोगों के सामने आ चुका है। आज पूरा देश समझता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है, पावर, सत्ता, धन, दौलत। जो कांग्रेस लूट करती रही आज भाजपा उसको फॉलो करना चाहती है। जम्मू कश्मीर जल रहा है, जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने मुफ्ती साहब और पीडीपी हैं। मेरा अपना तजर्बा है जी। मैं भीम सिंह जी 45 सेकंड हो गया, मैं लौटूंगा आपके पास हमारे बजर राउंड के बाद। मीर साहब, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी सत्ता में रहने की कह लीजिए या गठबंधन की कह लीजिए वो सामने आ रही है, लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि आप दो ध्रुवों का मिलन हुआ है इस बार जम्मू कश्मीर में जो सत्ता चला रहे हैं। बीजेपी की सोच क्या रही है और पीडीपी की सोच क्या रही है, आपको लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी या उनका कोई नेता इस फैसले के खिलाफ आगे भी जा सकता है डबल बेंच में, जैसा कि इशारा सुधांशु मित्तल ने अभी किया, तब आप क्या करेंगे मीर साहब? देखिए, सवाल ये पैदा होता है ये मजबूरी या फंसने वाली बात नहीं है। जब इलेक्शंस हुए हमारा एजेंडा अलग था और बीजेपी का एजेंडा अलग था, लेकिन जब वोट डाले गए उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। 28 सीटें हमें मिली, 25 सीटें उनको मिली और कोई रास्ता नहीं निकलता था हुकूमत बनाने के लिए, सिर्फ ये कि वोटर की राय का इज्जत करने के लिए एक हुकूमत बनाने के लिए हमने ये तय किया। जितने भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं, जो हमारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो जहाँ हम टकरा सकते हैं दो पार्टीज, हमने उनको एक तरफ अलग रख के ये सोचा कि ये मुसीबत ज़दा रियासत है, यहाँ मुश्किलात का सामना है, हम एक पॉलिटिकल एजेंडा को छोड़कर डेवलपमेंट एजेंडा की तरफ आएंगे और अमन अमान का एक माहौल देंगे रियासत जम्मू। ठीक है, 45 सेकंड हुए। संदीप महापात्रा, मैं आपके पास आऊंगा, क्या आरएसएस की विचारधारा इस बात को इंडोर्स करती है कि भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बातों को भूल जाए? क्या जो बीजेपी की मजबूरी है सत्ता में रहने की, क्या आरएसएस को भी लगता है कि ये जरूरी है? नहीं देखिए सुमित जी, इसको इस तरह से कहना कि किसी की मजबूरी हो गया और किसी पार्टी विशेष, सुधांशु जी ने इस विषय पे अपना क्लारिफिकेशन मत रखा है। मुझे लगता है और मेरा ये मानना है कि ये मजबूरी पूरे भारतवर्ष के लिए है। जो 370 नामक भस्मासुर सन 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक एडॉप प्रोविजन के नाते एंट्री दिया गया था, उसको लाया गया था, आज एक भस्मासुर के रूप में हमारे सम्मुख है। और हाईकोर्ट की जो जजमेंट है उसकी तर्जमा हम लोग करेंगे। हाईकोर्ट की जजमेंट केवल मात्र एक प्रतिफलन है, ना कि केवल एक कोई पार्टी विशेष या संगठन विशेष की मजबूरी है, भारत की मजबूरी है और इस मजबूरी को दूर करने का समय आ गया है। मैं बाकी पैनल मेंबर्स को भी ये अनुरोध करूंगा कि केवल मात्र सियासी तौर पर इसको ना देखे, इसका जो लार्जर रैमिफिकेशन और 45 सेकंड हुए संदीप भाई, मैं लौटूंगा आपके पास। अमीबेर याग्निक, मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या भारतीय जनता पार्टी को ये गठबंधन करना चाहिए था अपनी तमाम बातों को भूलते हुए, या अब ये गठबंधन जब कर लिया है तो अपनी पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए? अमी बेन याग्निक। देखिए, दो बातें स्पष्ट होती है। एक तो उनको किसी भी तरह से सत्ता चाहिए। जिस पीडीपी के साथ अलायंस किया है उनके साथ आपको पता है कि कितने मतभेद थे और कैसे अलायंस हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी अपने डबल स्पीक के लिए, यू टर्न के लिए आज जग जाहिर हो गई है। इतनी फेमस हो गई है कि हर बात पे यू टर्न लेती है, पहले की बात भूल जाती है, अपने आइडियोलॉजी अपने हसूलों सब से मुकर जाती है, क्योंकि उसके सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, तो वो कुछ भी करेगी सत्ता पाने के लिए। चलिए, आपने अपनी बात जल्दी खत्म की, मेरा काउंटर क्वेश्चन आप ही से है। नाउ द डिबेट इज ओपन, बजर राउंड मेरा खत्म हो रहा है। सीधे तौर पर अमीबेन याग्निक, आप जब डीएमके से हाथ मिलाती हैं, वो डीएमके जिनका नाम
राजीव गांधी के हत्यारों के साथ जोड़ा जा रहा था वो कॉम्प्रोमाइज नहीं था? अमी बेन याग्निक, देखिए आप, हाँ नहीं नहीं सही बात है, आपको प्रश्न पूछने का हक है और आपको ये कंपैरिजन, जब आप कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस में नहीं होती है, एप्पल्स एंड एप्पल्स में होती है। आप आज डीएमके का प्रश्न लेके आए, लेकिन यहाँ बात हम कर रहे हैं कैसे यूनिक स्टेट की, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं जो उसके साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं किया जा सकता। आज हम जो बात कर रहे हैं वो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट असेंबली, उसके कॉन्स्टिट्यूशन की और आर्टिकल 317 आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इसको एकदम स्पेशल स्टेटस देता है। इस अमित बेन याग्निक ने उसूल की बात कर रहा था, आर्टिकल 370 था, आज क्या रूप है उसकी बात हम कर रहे हैं। जो कॉम्प्रोमाइज किया अपने लीडर के हथियारों के साथ जुड़ी पार्टी के साथ हाथ मिला के, आज तो बीजेपी भी कर सकती है। मैं बीजेपी का सवाल बीजेपी से पूछूंगा, लेकिन कांग्रेस अपनी सफाई तो दे कि आपकी क्या मजबूरी थी। हाँ, पर हमने मजबूरी में नहीं किया हुआ था, जो भी किया हुआ था वो सोच समझ के किया था, इसलिए मैं कह रही हूँ कि उसको कंपेयर ना कीजिए। बीजेपी हर जगह अपनी आइडियोलॉजी, अपना रुख, अपना उसूल बदलती है विद एवरी अलायंस, इट गिव्स अ गो बैक। अपनी जो आइडियोलॉजी है, जो चीख चीख के चिल्लाती थी, हम तो चीख चीख के नहीं चिल्लाते हैं, हम जो भी करते हैं लोगों के लिए, इस कंट्री के लिए करते हैं। बीजेपी सिर्फ अपने पावर के लिए करती है। राजीव मित्तल, अमी बेन याग्निक की बात, सवाल का जवाब मत दीजिएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्यों ये सत्ता पानी जरूरी थी? क्यों नहीं आप ये कह सकते थे कि हम पीडीपी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, हमारी विचारधाराएं अलग अलग हैं? सुमित जी, एक शेर है कि सूरज पे लगे धब्बा कुदरत के करिश्मे हैं। ये बुत, कांग्रेस वालों के लिए कह रहा हूं, ये बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। चलिए वो बाद में आऊंगा, पहले आपका प्रश्न का जवाब देता हूं। समझिए, एक चीज याद रखिएगा, जब खंडित जनादेश होता है तो ये हमारी तो कार्यस्थानी नहीं है, या हमने तो नहीं खंडित जनादेश के लिए कहा था? जब खंडित जनादेश होता है तो राजनीतिक संगठनों के सामने क्या विकल्प होते हैं? एक विकल्प है कि साहब खंडित जनादेश है, वापस चुनाव में जाइए। तब सब कहते नहीं 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 नहीं, इतना पैसा खर्च हुआ है, कोई तरीका निकालिए कि सरकार बने। तो आप क्या करेंगे? हम पीडीपी के खिलाफ लड़े हैं, हम एनसी के खिलाफ लड़े, हम कांग्रेस के खिलाफ लड़े। खंडित जनादेश में आप क्या कर सकते हैं? आप यही विकल्प तलाश सकते हैं कि क्या हम सरकार कोई एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे जो कि जनता की सेवा हो सके उस पर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अपने विचारधारा का, क्योंकि हमें जनादेश नहीं मिला तो विचारधारा को वो भी नहीं मिला, उनको भी नहीं मिला, हमें मिला। सुधांशु जी, इस बात का जवाब दीजिए, 11 मई 1953, 23 जून 1953, ये दो तारीखें भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को याद हुई होंगी। 11 मई 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रीनगर जाने के लिए बगैर पासपोर्ट के, बगैर परमिट के शेख अब्दुल्ला सरकार ने हिरासत में लिया था, और 23 जून को उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुई थी, हम सब जानते हैं। 1952 में जम्मू की विशाल रैली में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने यह नारा दिया था, जिसके बारे में हम लोग, आपने भी दोहराया, उसको मैं फिर से दोहरा दूं कि एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि बीजेपी इन बातों को भूल चुकी है, इनकी कोई जरूरत नहीं बची, यह इतिहास का हिस्सा बन चुका है? सुमित जी, पहले तो यह बताइए कि हमारे किस आचरण से आपने ये निष्कर्ष निकाल दिया कि हम लोग इसको भूल गए हैं? पहले तो यह समझाइए, आप संवैधानिक प्रावधानों में जो, सुनिए मेरी बात, सुमित जी, सत्ता में होना और अपने आदर्शों को भूलना दो अलग अलग चीज होती है, माफ करिएगा। और जैसा मैंने कहा, एक खंडित जनादेश हमने मांगा था कि हम जो है, हमारा ये मैनिफेस्टो है, हम इन उसूलों पे चल के आपका जनादेश मांग रहे हैं। जनता ने नहीं दिया, जनता ने सीमित खंडन जनादेश दिया। क्या करना चाहिए? जब आपके पास एक सीमित जनादेश होगा तो आप अपने उसूल को उसमें लागू कर पाएंगे क्या? आज बात आती है कि 370 को हटाना है। भीम सिंह जी, 370 को हटाने के लिए क्या, हटाना है आपके पास पार्लियामेंट में, क्या आपको जनादेश पूरा मिला? राज्यसभा में आपके 46 सदस्य हैं, दो तिहाई आपको बहुमत चाहिए, आपके पास है क्या? लोकसभा में आपके पास दो तिहाई बहुमत है क्या? जब जनादेश आपको सीमित मिलेगा तो आप जो है कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करके क्या नई चीजें कर देंगे क्या?
नहीं आप मना कर सकते हैं, सत्ता में नहीं आएंगे इतना तो कर ही सकते हैं। मैं कह रहा हूं भीम सिंह जी, अब आपके सामने दो विकल्प हैं। भीम सिंह जी भारतीय जनता पार्टी क्या करती कि आप जो है कहीं मैं सत्ता किसी के साथ मिलके खंडित जनादेश में बीजेपी क्या करती, आप क्यों बीजेपी को घेर रहे हैं? इसमें बहुत इस आपके प्रश्न जो है आपका इज हाईली इंप्रेसिव। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज जब भारत एक है, भारत की एकता अखंडता का प्रश्न है, जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, हम इससे जुड़े हैं, बताइए 65 साल हो चुके हैं, 65 साल से आपने टेम्परेरी, पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टेम्परेरी प्रोविजन इन आर्टिकल 370, आपने इसे 65 साल तक हमारे सिर के ऊपर कैसे रखा? एक देश में आप दो कानून कैसे बनाएंगे? और जहां तक के जम्मू कश्मीर में 15 साल लेजिस्लेटर रहा, हमें अधिकार ही नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू कश्मीर के प्रति पार्लियामेंट में कोई भी कानून इंट्रोड्यूस करने का। अगर हम भारतीय हैं, भारत के हिस्सेदार हैं, तो धारा 370 20 अगस्त 1952 को खत्म हो गई, जिस दिन शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया जवाहरलाल नेहरू जी के ऑर्डर से, आदेश से, क्योंकि शेख अब्दुल्ला भारत विरोधी कार्रवाई में शामिल थे, हम भूल गए वो बात। और आज पीडीपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, एक मुद्दा है जम्मू कश्मीर के लोगों और चलते जाओ, जम्मू और कश्मीर के लोग क्या अलग अलग रहेंगे हमेशा 370 की वजह से? मीर साहब, जम्मू और कश्मीर क्या एक साथ नहीं हो सकता? आप देखते हैं कि आज जो हुकूमत है, जम्मू का मैंडेट अलग था, कश्मीर का मैंडेट अलग था, लेकिन लोगों को इकट्ठा रखने के लिए और लोगों को एक ही सोच बनाने के लिए और मुल्क के साथ नाता मजबूत करने के लिए हमारी एक हुकूमत बन गई, जहां हमने तमाम कंट्रोवर्शियल इश्यूज को पीछे रखा हुआ है। जहां तक सवाल है, आपने अगर, ये अगर आपने कंट्रोवर्शियल इश्यूज को पीछे रखा हुआ है, कश्मीर को बेच दो, तो बीजेपी के एक विधान की बात को आप मेरे पास बीजेपी में सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, मुझे जवाब देने दीजिए, आप 2 मिनट खामोश हो जाइए, मैं जवाब दे दूंगा। ये कंट्रोवर्शियल इश्यू जो है, ये कोई नया इश्यू नहीं है, आपको ये समझना चाहिए। हमारे भीम सिंह जी हमारे सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, ये सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं, इनको पता होना चाहिए ये प्रोविजन है रियासत जम्मू कश्मीर के आईन में, हमारे दो फ्लैग हैं, और ये हमारी हुकूमत से पहले जो हुकूमत यहाँ पे थी, कांग्रेस की, पीडीपी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तमाम मिनिस्टर्स के फ्लैग दो दो होते थे, सेक्रेटरियट पे दो फ्लैग थे, ये कोई नई बात नहीं है। नई बात बीजेपी के लिए है जो आपके साथ सरकार में पहली बार, भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार में आई है, केस चला गया, ये प्रोविजन ऑलरेडी है, नहीं ऑलरेडी है प्रोविजन, लेकिन सवाल तो बीजेपी के लिए है ना, इसीलिए बीजेपी के लिए बोल रहे हैं कि बीजेपी बड़ी मुसीबत में फंसी है। सुधांशु जी, ये बीजेपी के लिए मजबूरी नहीं थी, आपका इलेक्टोरेट जो है वो एक अच्छी हुकूमत। सुधांशु जी, क्या बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मंत्री अपनी गाड़ियों पर दो झंडे लगाएंगे? कश्मीर के लोगों ने इस आदेश के बाद दो तिहाई अक्सरियत दी होती, शायद ये अपने एजेंडे को लेकर तमाम फैसले कर सकते, लेकिन यहाँ पे एक मिनट, जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक हुकूमत भी चलेगी और इसी के मुताबिक फैसले भी होंगे। ठीक है सुधांशु मित्तल, मीर साहब एक मिनट, संदीप आवात्रा में आता हूँ, हिंदुस्तान के सुमित जी, संदीप जी एक मिनट, इसलिए था पहले जब हमने सुधांशु मित्तल, मेरा सवाल आपसे बहुत स्पेसिफिकली, क्या बीजेपी के नेता, सांसद, विधायक, जम्मू कश्मीर के मंत्री अपनी गाड़ियों पर, अपने दफ्तरों पर दो झंडे लगाएंगे इस आदेश के बाद? कोई आपत्ति तो नहीं? आपको समित जी एक चीज याद रखिए, लगा रहे हैं भाई साहब, लगा रहे हैं, हर का झंडा लग रहा है बीजेपी की गाड़ियों पर ऑलरेडी। भीम सिंह जी कुछ तो तहजीब रखिए, आप इतने सीनियर आदमी हैं, लग रहा है बोलने को कहा तो मुझे बोलने दीजिए ना। बीजेपी ने भीम सिंह जी क्या हो गया आपको का सौदा कर दिया है? भीम सिंह जी एक मिनट, सुधांशु जी से पूछ रहा हूं, कोई तहजीब होती है ना? सुधांशु जी बोलिए। सुमित जी एक सर्कुलर निकला है, गवर्नमेंट सर्कुलर नंबर 13 GAD ऑफ 12 मार्च 2015, इस सर्कुलर के तहत ये कहा गया कि आप जो है
स्पिरिट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू स्टेट ऑनर एक्ट ऑफ 79 उसको फॉलो करेंगे, ये रहा वो। हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों ने फौरन अगले दिन जो है ये 13 मार्च को एक और सर्कुलर निकलवाया, मान लिया, मान लिया। और चौथा सुनिए, तो जहां तक भाजपा की नियत नीति और कार्यशैली का सवाल है, अगले दिन ही हमें अगर आपने विरोध किया तो बीजेपी के लोग दो झंडे क्यों लगा रहे हैं जो भीम सिंह जी आप सीधे तौर पर आपके सामने बोल रहे हैं? अभी पहले मैं खत्म कर दूं या मेरी बात सुन लीजिए, बीजेपी के मिनिस्टर, बीजेपी के मिनिस्टर, आपने ये बात दोबारा बोली, जो अभी बात नहीं है लगा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि बात आगे आ जाए। बीजेपी के मंत्री, क्या बीजेपी के लोग अब नहीं लगाएंगे दो झंडे? भीम सिंह, मैं सुमित जी सुनिए, दूसरी बात एक और याद रखिएगा, आप पार्ट टू ऑफ दी जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन भी जरूर पढ़ लीजिए। अरे साहब चुप तो रहिए, आप तो ऐसे रिकॉर्ड हो गए जो मेरे पढ़ा हुआ है, ये रहे मेरे पास, मैं पढ़ देता हूं। भीम सिंह जी आप, मैं पढ़ देता हूं, वो ग्राफिक्स पे चल रहा है, स्टेट विद यूनियन ऑफ इंडिया, सुनिए एक सेकंड, रिलेशनशिप ऑफ स्टेट विद यूनियन ऑफ इंडिया, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। एक और चीज आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। जी मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे, आप अपना वक्त जाया करें, मुझे संदीप महापात्रा के पास जाना है। मैं कैटेगोरिकली आपसे तीसरी बार पूछ रहा हूं सुधांशु जी, क्या आपके विधायकों ने जो पहले विरोध किया था वो आज भी कायम है कि आप दो झंडे नहीं लगाएंगे? अगर ये विरोध कायम है तो भीम सिंह जी ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी के मंत्री ने हार मान ली और वो दो झंडे को स्वीकार कर चुके हैं, दो झंडे लगा रहे हैं? सुधांशु मित्तल आखिरी बार पूछ रहा हूं, फिर मैं संदीप महापात्रा के पास जा रहा हूं। क्या है भीम सिंह जी का इतिहास आपको सबको पता है, इनका क्या मैं इतिहास सुनूंगा? नहीं, ये है, ये फैक्ट है, बीजेपी के लोग लगा रहे हैं। मेरे से आप इनकी बात करिए, प्रश्न ये है कि हम लोगों ने अपना उसूल जो बनाया उस पे कायम है। आज क्योंकि न्यायालय ने एक आदेश दिया है, जब तक ये आदेश को हम लोग खारिज नहीं करवा पाते हम आदेश का पालन करेंगे। इसके खिलाफ आगे जाएंगे, सिटीजंस हैं हम लोग, इसके खिलाफ बीजेपी आगे जाएगी, इस आदेश के खिलाफ भाजपा वहां के स्टेट यूनिट। देखिए इसमें क्या है, सरकार को एक निर्देश मिला है, सरकार बैठ के तय करेगी कि क्या करना है, एक बार देखते हैं वहां पे क्या होता है, उसके बाद रणनीति इसमें। आपको लगता है कि आदेश हमारा चुनाव देनी चाहिए? संदीप महापात्रा आरएसएस, हाँ क्या चीज संदीप महापात्रा? जी 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 सुमित जी, देखिए बात क्या है, धारा 144 की हमने बात कही, धारा 144 सिवाय इसके कि जम्मू कश्मीर स्टेट के फ्लैग के डायमेंशन क्या होंगे, कलर क्या होंगे, इसके अलावा और कुछ कहता नहीं है। उसको भित्तिभूमि बना के, उसको बेसिस बना के इस तरह का जो जजमेंट माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है, इस जजमेंट की तर्जमा होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए कि किस हिसाब से इस जजमेंट को दिया गया है। यहाँ पे तीन चीज है, इस जजमेंट के खिलाफ हायर कोर्ट में, हायर बेंच में जाना चाहिए, सीधा सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, और वो कौन जाएगा? से जाना चाहिए, कौन जाएगा? रूप से जाना, कौन जाएगा? ये कौन जाएगा? ये कौन जाएगा? ये जो सेपरेटिस्ट दुआई देते हैं और राजनीति करते हैं। भीम सिंह जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, भीम सिंह जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, फ्रेमवर्क पूछिए संदीप, पूछिए भीम सिंह जी से पूछना चाहता हूँ सुमित जी, अगर उन पर धैर्य है तो उनको मेरे सवाल का जवाब देने दीजिए। अरे सवाल तो पूछिए आप अपना, नहीं पूछना, पूछने देंगे तभी तो पूछूंगा मैं। अरे पूछिए ना, वक्त जाहिर हो रहा है, मुझे वाइंड अप करना है। 370 धारा के अंतर्गत जो वहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों को असुविधा हो रही है, वहाँ पे पंचायत राज व्यवस्था नहीं है, वेलफेयर स्कीम्स बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ वहाँ पे लागू नहीं हो रहे, इस बारे में कभी आप लोगों ने सोचा है क्या? केवल मात्र एक जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जजमेंट आ गया, उसका क्या होगा? भीम सिंह जी जवाब दीजिए, उस पर भी राजनीति जवाब दीजिए, वाइंड अप कर रहे हैं, चाहते हैं कि धारा 370 पेज लिखा है टेम्पररी, पढ़िए धारा। मेरे पास है आर्टिकल पर जाइए, देखिए आपने कोई मुहिम छेड़ी है पंचायतों को अधिकार मिले, भीम सिंह जी जवाब देना चाहेंगे। 370 धारा कहती है टेम्पररी, अरे बिल्कुल कहती है टेम्पररी, भीम सिंह जी हम सब जानते हैं टेम्पररी चल रही है, आप वहीं अटके हुए हैं। ये गलत है और इसको जो है चुनौती, चलिए माफी के साथ आप तमाम पैनलिस्ट को शुक्रिया अदा करूंगा मैं, थैंक यू सो मच पांचों मेहमानों का जुड़ने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस कोर्ट के आदेश के बाद जरूर उसको एक कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है, और बीजेपी और बीजेपी के थिंक टैंक को यह सोचना होगा कि अपने काडर का मोराल बनाए रखने के लिए क्या किया जाए आगे, क्या जम्मू कश्मीर की सरकार के हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ
आज कोर्ट में जाया जाए, इसको चुनौती दी जाए या कोई और तरीका अपनाया जाए। यही सवाल हमने पूछा था कि जम्मू कश्मीर में सत्ता में रहने के लिए बीजेपी अपने उसूलों से भटक गई है। जो जवाब ट्विटर पर हमारे पास आए हैं, 46% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि बीजेपी अपने रास्ते से भटक गई है और 54% लोग ना में जवाब देते हैं कि ऐसा नहीं है। तो आज हम तो पूछेंगे में इतना ही, वक्त हो चला है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाएं उसके पहले चलेंगे इंडिया 9 बजे में, जहां से कुछ खास खबर लेके आए मेरे सहयोगी प्रतीक। प्रतीक क्या खास? शुक्रिया सुमित। नए साल पर दिल्ली में आतंकी हमले का खतरा, अगर खुफिया एजेंसियों की माने तो प्रधानमंत्री भी इसकी जद में, बताएंगे पूरी खबर लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।